इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। वो ना आज बहुत दुखी है बेचारी। प्राची की माँ। ऐसा क्यों? वो ना अपने पति को याद करके रो रही है। आप दोनों एक ही कश्ती पे सवार हो, इसलिए आपस में बात करोगे तो शायद दोनों का मन हल्का हो जाए। ठीक है, मैं सिर्फ बात करूंगा, शादीवादी नहीं करूंगा। मिलने दो ड्रग्स उसके पास, जब पुलिस उसे अरेस्ट करेगी तो ना मेरे घर आ पाएगी और ना कॉलेज आ पाएगी। आपसे किसने कहा कि मिस्टर मेहरा की फैमिली ये सब काम करती है? ये तो गेस्ट हैं जो ये सब हरकत दिखाते हैं, यू नो, बड़ी पार्टियों में आते हैं, बड़े घर के बच्चों को ड्रग्स देते हैं और उन्हें बिगाड़ते हैं। तो आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए और कुछ कीजिए। कुछ अच्छा पहन ले। लेकिन क्यों पहनना अच्छा? अब उसके लिए? और तो तुझे ऐसे हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? कौन है? अरे मिस्टर मेहरा। ये अरेस्ट नहीं होगी, वो ड्रग्स इसका नहीं है। देखिए मिस्टर मेहरा, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ड्रग्स इसके बैग से मिली है। माना कि ये लड़की देखने में एकदम शरीफ दिखती है, लेकिन आजकल हमने देखा है कि ऐसी शरीफ लड़कियां यही काम बहुत अच्छे से करती हैं। उसके बारे में और कुछ मत बोलिएगा। देखिए आप पुलिस के काम में बाधा डाल रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं आपको भी अरेस्ट कर सकता हूँ मिस्टर मेहरा। सर को भी अरेस्ट कर लिया। बस आप प्लीज जल्दी से ग्रीन पार्क पुलिस स्टेशन आ जाइए। अब आप भी सब कुछ ठीक कर सकते हो। शाना शाना एक मिनट तो तू रो मत। मैं पहुंच गई हूँ पुलिस स्टेशन। मैं करती हूँ कि कुछ। रोना मत, मैं भी जा रहा हूँ, कुछ ही देर में वापस आऊंगा तुम्हें छुड़ाने के लिए। ओके? आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे, पर होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। आप मेरी माँ को संभालेंगे? अभी ये सब क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? हाँ पागल हो गया हूँ मैं, पागल कर दिया मुझे सब लोगों ने, उस लॉयर ने, उस पुलिस वाले ने और उस इंसान ने जिन्हें प्राची के बैग में ड्रग्स रखे थे। एक ने उसे झूठे केस में फंसाया, एक ने अंदर डाल दिया और तीसरे ने केस लड़ने से मना कर दिया। मेरा सर फट रहा है सोच सोच के। मैं जानता हूँ वो बेकसूर है, लेकिन इनोसेंट प्रूफ करने का कोई जरिया नहीं है मेरे पास। अरे तो हम कल जा तो रहे हैं उसकी बिल लेने के लिए। 2 दिन के लिए कोर्ट बंद है पूरा। प्राची को 2 दिन के लिए जेल में रहना पड़ेगा। मुझे लगा था इस फुटेज से मुझे कोई क्लूज मिल जाएगी, कुछ नहीं मिला मुझे। अरे तो ऐसे मिल जाएगा क्या? ऐसे प्राची बाहर आ जाएगी? यार मैं प्राची को जेल में नहीं देख सकता पूरा। मैं नहीं देख सकता उसे रोते हुए। वो जगह प्राची के लिए नहीं है, वो जगह किसी भी लड़की के लिए नहीं है। वादा किया था मैंने उससे कि मैं उसे छुड़ा लूंगा। उसे भरोसा भी था मुझ पर। सुपरमैन नहीं बोलती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मानती थी मुझे, जैसे कियारा मानती थी। फेल हो गया था कियारा के मामले में, लेकिन यहाँ पर मैं फेल होना नहीं चाहता। She trusts me, भरोसा है उसे मुझ पर। उसका ट्रस्ट टूट गया ना पूरा, उसका दिल भी टूट जाएगा। और अगर उसका दिल टूट गया तो मैं अंदर ही अंदर टूट जाऊंगा यार। ऐसा नहीं होगा यार, तू छुड़ा लेगा उसे। उसके लिए टाइम चाहिए ना पूरा। तू पहले शांत हो जा, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। क्या सत्यानाश कर दिया? अब जो फुटेज मिलनी थी वो भी नहीं मिलेगी। कुछ नहीं इसमें, मैंने चेक कर लिया। अरे तू एक्सपर्ट है क्या? अरे जिसका काम है उसे करने देना। देख मेरी महेश से बात हो गई, वैसे तो उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ खत्म हो गया, लेकिन वो हमारा काम करने के लिए मान गया। वो खुद आएगा, सारी फुटेज चेक करेगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। आई एम सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट माय कूल। इट्स ओके, मैं अभी यहीं बैठा हूँ, कहीं नहीं जा रहा। तो होगा यार, समथिंग समवेयर। मेरी सही बेटी भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरा अपना खून है। अगर प्राची को कुछ हुआ तो मैं को कभी माफ नहीं करूंगा। I'll never forgive myself. सुपरमैन नहीं बोलती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मानती थी मुझे, जैसे कियारा मानती थी।
इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपसे छोटी सी बात करनी है। मैं जानता हूँ तेरी जरूरी बात, और हाँ, क्या बोल के गया था तू कि मैं गिरा हुआ इंसान हूँ? नहीं 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 सर, वो आप मेरी बात का गलत। मैंने कहा ना, तुम्हारी फालतू की बात सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात मत सुनिए, पर ये प्राची को छोड़ दीजिए प्लीज। क्यों, दिल्ली का मिनिस्टर है क्या तू? ये जो तू बोलेगा मैं सल्यूट मार के जी सर बोल के उसे छोड़ दूंगा। अगर सर इतनी आसान बात होती तो आपको किसी मिनिस्टर से फोन कराता ना, आपको इसी बारे सल्यूट मारते हुए देख लेता। देख देख, ज्यादा होशियारी मत दिखाना हा? नहीं तो ऐसे केस में अंदर डालूंगा ना कि चीफ मिनिस्टर भी तुझे नहीं छोड़ा पाएगा। आप मेहनत मत करिए सर, मैं तो खुद यहाँ अरेस्ट होने आया हूँ। इसीलिए नहीं क्योंकि मैं कोई चीफ मिनिस्टर या कुछ, इसीलिए क्योंकि इस क्राइम का कल्प्रिट मैं हूँ। वो ड्रग्स मेरे थे। प्राची तुम छूट गई? हाँ, क्योंकि असली बंदे ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुड गुड सर, पर वो है कौन? रणबीर कोहली। पुलिस ने रणबीर को अरेस्ट कर लिया है। जिसकी बर्थडे पार्टी? मेरे पापा नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी मुझे पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। इनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो ना, तो ठीक है, उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ अपनी शादी तोड़ दो। मत करो ये शादी। ये वही लड़की है जिसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अब मने सुहागन बन के जीना है, वो भी मारे अपने घर में। काली की हल्दी थारे को भी मुबारक हो राना जी। शायद अगर आपको याद हो तो आपने कल कुछ प्रॉमिस किया था। हाँ हाँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। डॉक्टर वेदांत, मैं तब से आपको चाहती हूँ जब मैं आपको जानती भी नहीं थी, और जब आपको जाना तो मुझे आप पर क्रश हो गया। हम ये सब बातें भुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके। मुझे आप पहले जैसे चाहिए। अरे इतनी सिक्योरिटी के बीच में कैसे भाग निकला? तुम लोग सो रहे थे क्या वहाँ पे? पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो। क्या हुआ मल्हार जी? अगर हॉस्पिटल से भाग गया है। वो कहीं नहीं भागा हॉस्पिटल से, वो यहीं है मेरी कार में, देखिए। एक्चुअली कल मैं अथर के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगी। जरूर शाम का ही होगा। हेलो रानी, फ्री है तो आज की रात मेरे साथ गुजारना, बहुत तड़प है। बोला था कल देखती जाओ क्या होगा तुम्हारे साथ अस्मिता। अरे वो रही अस्मिता, वो देखो। अरे हाँ वही है। अरे यही है वो अस्मिता। अस्मिता बताएं, क्या ये सब सच है? क्या कहेंगे आप अपनी सफाई में? ऐसा क्या तूफान आने वाला है अस्मिता की जिंदगी में, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। पता है अंतरा जी, घर की गृह लक्ष्मी का काम क्या होता है? घर को जोड़ कर रखना, घर को तोड़ना नहीं। जो स्ट्रेस आपने इस पूरे परिवार को दे रखा था ना, उस सेम स्ट्रेस आपके चेहरे पर देखकर क्या सुकून मिल रहा है हमें। हमारे घर की बहुओं को घर से बाहर निकालना चाहती थी आप, अब तुम अपनी उल्टी गिनती चालू कर दो अंतरा। यही स्टाइल है गुड्डन का। ये आपका संदूक। वो तो मैं देख रही हूँ, पर ये तेरे पास क्या कर रहा है? मुझे तो पहले ही पता था इसके पीछे तू है। ये संदूक तुमने लिया था? कबीर और हमारा खुला हो रहा है। इमरान एक काम कर दो हमारा, अंदर जाओ और कबीर से कहो कि रुको कबीर। मेरे पापा नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी मुझे पापा की कमी महसूस होने नहीं दी। इनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हो ना, तो ठीक है, उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ अपनी शादी तोड़ दो। मत करो ये शादी।
ये वही लड़की है जिसे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ।